हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए ये क्या बनने जा रहा है। इसमें टमाटर की कोई आवश्यकता नहीं है, टमाटर नहीं है फिर भी हम अच्छे से छोले बना सकते हैं। इसके लिए देखिए, नमक है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, इसको रख दीजिए। फिर कढ़ाई चढ़ाइए, प्याज डालिए और जब प्याज हल्का सा हो जाए तो उसमें सारे मसाले डाल करके इसको अच्छी तरह से चला दीजिए। चलाने के बाद देखिए, इसमें धनिया पाउडर नहीं पड़ा था इसलिए 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से चला करके भून लीजिए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कि मसाला न जले और इसको अच्छी तरह से चला करते रहिए जब तक ये मसाला तेल न छोड़ दे। अगर मसाला ये तेल छोड़ देता है तो आपका मसाला हो चुका है। अब देखिए, 2 बड़े आलू लीजिए, इसको बॉइल्ड करिए और मैश कर लीजिए। इसको बहुत महीन नहीं करना है, मोटा मोटा ही इसको मैश करिए। मैश करने के बाद इसमें मिला दीजिए, इससे बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट छोला बनकर के तैयार होगा। बहुत ही अच्छा लगता है ये छोला। अगर आप किसी मेहमान को परोसेंगी तो आपका बहुत ही अच्छे से वो तारीफ करेगा। अब देखिए, इमली का पल्प लीजिए, इमली भिगा करके रख दी थी उसका पल्प निकाल लीजिए। निकालने के बाद 2 चम्मच उसमें इमली का पल्प डाल दीजिए। मसाले में ही डालना है, डाल करके इसको अच्छी तरह से चला दीजिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी लीजिए, हाथ में मलिए और मलने के बाद उसको इसमें डाल दीजिए। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है ना, कितना अच्छा लग रहा है। जब अभी इतना अच्छा है तो बाद में कितना अच्छा इसका स्वाद होगा। ये देखिए काबुली चना है, इसको रात भर धो करके भिगा दी थी। भिगाने के बाद बॉइल्ड कर दी हूँ। बॉइल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसको लीजिए और कढ़ाई में डाल दीजिए। अब इसको चला करके आप 2 मिनट इसको खोलने दीजिए। जब ये खोल जाएगा तो आपका ये चना और आलू का छोला बन करके तैयार हो गया है। इसको आप नाश्ते में भी परोस सकती हैं और दाल चावल या चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ परोस सकती हैं। इसमें थोड़ा सा तीखी मिर्च डाल दीजिए कि थोड़ा सा ये चटपटा और टेस्टी लगने लगेगा। देखिए बन गया ना बिना टमाटर का, कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट छोला। आप भी एक बार बना करके इसको ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये मेरा छोला कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब एक सर्विस बॉल लीजिए और उसमें इसको निकाल करके इसको सर्व करिए। इसमें देखिए, इस समय धनिया पत्ती भी नहीं मिल रहा है फिर भी ये छोला बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। आप एक बार परोसिए और खुद बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरा ये छोला कैसा लगा। थैंक यू। अगर इस छोले को आप पूरी के साथ परोसेंगी तो और ही टेस्टी लगेगा।